मोदी श्री राम मंदिर येथे राम जन्मोत्सव मोठ्या थाटात साजरा करण्यात आला. अतिप्राचीन असलेल्या कामठी श्री राम मंदिर 1918 साली स्थापित झाले असून नागपूर जिल्ह्यातील अतिप्राचीन मानले जाणारे मंदिर आहे. या मंदिरात दरवर्षीप्रमाणे यावर्षी सुद्धा राम जन्मोत्सव मोठ्या स्वरूपात साजरा करण्यात आला. भाविकांनी जय श्री राम म्हणत दर्शन घेतले तर या जन्मोत्सवाला मोठ्या संख्येने भाविक उपस्थित होते. राम मंदिर का इतिहास आहे, हे 200 साल पुराना राम मंदिर आहे. बेसिकली ये दक्षिण भारतीय लोगों की हाथ से स्थापना है. अभी समाज बढ़ गया है तो सब समाज का वर्ग इससे जुड़ा है. कितने मंदिर हैं यहाँ पे और कहाँ कहाँ से लोग आते हैं? यहाँ पे पहले तो राम मंदिर पुराना, राम मंदिर और शिव मंदिर पुराना था. उसके बाद हमने यहाँ पे शनि मंदिर, दत्त मंदिर और नवग्रह मंदिर की स्थापना की है, तो उससे भी बहुत से लोग यहाँ पे अभी जुड़े हुए हैं. ये दक्षिण भारतीय लोगों ने 1811 में इसकी स्थापना किए थे. जब से इसकी जो रामनवमी की परंपरा है और जो दशहरे में जो आयोजित की जाती है, जो भी वहाँ पे वो सब उस टाइम से चालू है और अभी तक यानी चालू है अच्छी तरह से. हाँ, रामनवमी के लिए कम से कम 500 से 1000 लोग आते हैं सुबह रहे, बाद में शाम में अलग 500 से 1000 लोग अलग आते हैं फिर. हाँ, सब में पुराना मंदिर है. काम 200 साल के ऊपर हो गया. नागपुर से भी पुराना मंदिर है. नागपुर का जो श्री राम मंदिर है उससे भी पुराना मंदिर, पहले का मंदिर है कामठी का. वीकेबी न्यूज साठी कामठी येथून नितिन रावीकर यांची रिपोर्ट. अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए. Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं. Flywheel Aviation Academy, 1 degree 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka Bank, Nagpur.